हेलो एवरीवन, अपने चैनल पे जो PYQs की सीरीज चल रही थी उसमें आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के 2005 और 2006 के मेंस के क्वेश्चन करेंगे। तो इसके पहले 2003 और उसके पुराने क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं इस चैनल पे, और तुम उस प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। तो आज का पहला क्वेश्चन ये है, पर खुद से ट्राई करो फिर हम लोग डिस्कस करते हैं। क्या बोला है कि इन अ ट्राइंगल PQR एंगल R इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो ठीक है, एंगल R हमें दे रखा है 90 और फिर PQ इस तरह से दे रखा है। टैन PYQ PY2 एंड टैन QY2 आर द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हमें कुछ रिलेशंस बोलिए, ठीक है। तो एक काम करते हैं, हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और दो रूट्स दिए हुए हैं, तो एक काम करते हैं, कुछ नहीं तो कम से कम सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स तो लिख ही देते हैं। तो फिर अगर हम लिखें कि टैन पी बाई टू प्लस टैन क्यू बाई टू, जो हमारे सम ऑफ टू रूट्स हैं वो होगा माइनस बी बाई ए, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा टैन। अच्छा, और दूसरी चीज मुझे क्या समझ में आ रहा है क्वेश्चन में, कि मेरे पास पी बाई क्यू और क्यू बाई टू, कि पी बाई टू और क्यू बाई टू में खेलने का तो कोई तरीका है नहीं उनके टैंस में, लेकिन मुझे टैन आर बाई टू पता है। तो अगर किसी तरह मैं आर के टर्म्स में इन्हें ले आया तो काम हो जाएगा। और दूसरी चीज मुझे क्या पता है कि आर क्या है, 180 डिग्री, यानी पाई बाई टू माइनस पी प्लस क्यू, पाई माइनस पी बाई क्यू, पी प्लस क्यू, ठीक है। अच्छा, तो एक काम करते हैं, हम किसी तरह P प्लस दोनों को जोड़ देते हैं तो वहां से मुझे R आ जाएगा। तो इसका मतलब अगर मैं tan P प्लस क्यू बाई टू किसी तरह बना लूं, तो P प्लस क्यू को मैं पाई माइनस R लिख सकता हूं, और फिर वहां से काम हो जाएगा हमारा। तो क्या होगा, ठीक है, तो दोनों को ऐड कर दो, कोई बड़ी बात नहीं है। तो हमारे पास क्या होगा, tan tan P प्लस क्यू बाई टू क्या होगा, tan P बाई टू प्लस क्यू क्यू tan Q बाई टू, जो कि माइनस B बाई ए है, अपॉन वन माइनस टैन पी बाई टू टैन क्यू बाई टू। एक बार फॉर्मूला तुम्हारे लिए यहां पे लिख भी देता हूं मैं, टैन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू टैन एक्स प्लस टैन वाई अपॉन वन माइनस टैन एक्स टैन वाई, ठीक है। तो माइनस बी बाई ए वन माइनस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स तो सी बाई ए, ठीक है। और पी प्लस क्यू क्या है तुम्हारा, 180 डिग्री माइनस आर। अच्छा, और R की वैल्यू तो तुम्हें पाई बाई टू पता है, तो सिंपली P प्लस क्यू तो तुम्हारा क्या है 90 डिग्री, तो P प्लस क्यू 90 डिग्री है, तो 90/4 45 डिग्रीज इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए अपॉन वन माइनस सी बाई ए, टैन 45 वन वन माइनस सी बाई ए इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, तो A से मल्टीप्लाई कर दो, सी माइनस ए इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, हमारे पास आंसर आ गया, बी ऑप्शन सही है। सही है, इजी क्वेश्चन था, सिंपली प्रोडक्ट सम ऑफ रूट्स देखो, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स देखो, अपने आप क्वेश्चन दिखने लगता है। इफ बोथ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर लेस देन 5 देन k लाइज इन द इंटरवल। अच्छा, तो मुझे क्या बोला है कि मेरे जो भी दो रूट्स होंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वो 5 से कम है, तो अब हम कोई फॉर्मूला या फिर कोई वो रटेंगे नहीं कि क्या कंडीशंस लगानी है, लॉजिकली सोचो। पहले तो इसने बोला कि दो रूट्स हैं, और अगर कोई लेस देन 5 ग्रेटर देन 5 की बात की है, तो इसका मतलब कोई रियल रूट पक्का एग्जिस्ट करता है। तो इसका मतलब अगर हम माने कि ऐसे अल्फा बीटा दो रूट्स हैं और दोनों बोलते हैं कि लेस देन 5 है, तो इस तरह का ग्राफ बन सकता है या फिर इस तरह का ग्राफ बन सकता है, सिर्फ पहला वाला जरूर नहीं, उल्टा भी बन सकता है, ठीक है, कोई बात नहीं, आर लेस देन 5। अच्छा, दूसरी चीज ध्यान दो कि एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट 1 है, क्या ये वाला ग्राफ का भी बन सकता है, नहीं, क्योंकि अगर पॉजिटिव है, यानी ए की वैल्यू पॉजिटिव है, ए एक्स स्क्वायर में ए की वैल्यू पॉजिटिव है, तो अपवर्ड पैराबोला बनता है, तो इसका मतलब हम ये वाला पार्ट निगलेक्ट कर सकते हैं, हमारे पास ये वाला बनेगा, ठीक है। आर लेस देन 5 देन के लाइज इन द इंटरवल, अगर ऐसा है तो हमें क्लियरली क्या दिख रहा है कि जो फंक्शन है 5 पे उसकी वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए, यानी कि एक कंडीशन हमारे पास आई कि 5 पे वैल्यू पॉजिटिव, स्ट्रिक्टली पॉजिटिव होनी चाहिए, क्योंकि उसने बोला लेस देन 5, नॉट लेस देन इक्वल टू 5। दूसरी चीज, रूट्स एग्जिस्ट करने चाहिए, एटलीस्ट एक तो करना ही चाहिए, तभी हम कंपेयर कर पाएंगे, तो ये दो कंडीशंस सफिशियंट है हमारे लिए। तो एफ ऑफ 5 निकालते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5 टेन के प्लस के स्क्वायर प्लस के माइनस 5 इज ग्रेटर देन 0, के स्क्वायर माइनस 9 के माइनस 20 ग्रेटर देन 0, कुछ गलती कर दी क्या, प्लस 20, तो के माइनस 4 के माइनस 5 ग्रेटर देन 0। तो या तो k की वैल्यू, मतलब अब सिंपली हम यहाँ से देख सकते हैं कि या तो 4 है और 5 है और पॉजिटिव चाहिए, तो हमें k की वैल्यू या तो हम 4 से कम लेंगे या फिर हम 5 से बड़ी लेंगे,
दूसरा कंडीशन क्या है हमारे पास कि डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो बी स्क्वायर माइनस 4 AC, तो बी स्क्वायर क्या है हमारे पास, बी स्क्वायर है 4K² माइनस 4 × a × c, a × c, ये हमारे पास क्या बोलता है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। 4K² तो कट गया, माइनस 4K + 20 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो हमारे पास क्या आया कि 4K इज लेस देन इक्वल टू 20, K इज लेस देन इक्वल टू 5। तो इसी नंबर लाइन पे अब K इज लेस देन इक्वल टू इसने 5 बोला है, तो यानी यहां से, अच्छा ध्यान रखना ये जो ग्रीन वाली थी यहाँ पे हमारे पास स्ट्रिक्ट पॉजिटिव स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी थी, पर्पल वाली पे हमारे पास इक्वालिटी भी है और ये है, तो दोनों का कॉमन एरिया कौन सा बन गया, ये वाला बन गया, तो हमारा आंसर हो गया माइनस इंफिनिटी से 4 ओपन, क्योंकि हमारे पास स्ट्रिक्ट इक्वालिटी थी वहां, इनइक्वालिटी थी वहां पे, तो हमारे पास सी ऑप्शन सही हो गया। ये भी इजी क्वेश्चन था, सिंपली लॉजिक लगाओ, थोड़ा सा ग्राफ बनाओ, जो समझ में आ रहा है लॉजिकली फॉलो करो। इफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर टैन 30 एंड टैन 15 रिस्पेक्टिवली, देखो अगर तुम्हें टैन 30 और टैन 15 की वैल्यू याद है फिर तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन टैन 30 की तो याद नहीं चाहिए 1/√3, टैन 15 की 2 − √3 होती है जहां तक मुझे याद है, लेकिन ठीक है कोई बड़ी बात नहीं है, उसमें तुम 45 की पता है, 30 की पता है, टेन माइनस टेन भी से निकाल सकते हो। चलो ये काम करते हैं, मान लो हमें नहीं याद है या फिर हम श्योर नहीं है, तो हमें क्या पता है, हमें सम ऑफ रूट्स पता है और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पता है। क्वेश्चन 1 में आज हमने क्या किया था, बिल्कुल सेम लॉजिक यूज करेंगे, माइनस बी बाई ए से पहले सम ऑफ रूट्स लिखा और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लिखा। अगर तुम्हारे पास ये दो इक्वेशंस हैं टैन अल्फा प्लस टैन बीटा और टैन अल्फा टैन बीटा, तो तुम टैन अल्फा प्लस बीटा के बारे में जरूर एक बार सोचना, सी बाई ए, तो टैन 45 हमारे पास क्या होगा, सिंपली टैन 30 प्लस टैन 15 यानी माइनस 15 अपॉन 1 − tan 30 टैन 15, तो 1 − q, और टैन 45 1 होता है, तो हमारे पास क्या आ गया कि p इज इक्वल टू q माइनस 1। तो क्या बोला है, q माइनस p की वैल्यू निकालनी है, तो 1 इज इक्वल टू q माइनस p और 2 को ऐड कर दो तो 3 आ गया आंसर। इजी क्वेश्चन था, बहुत इजी क्वेश्चन है, तो ऑल द वैल्यूज। अगला क्वेश्चन एक बार पॉज करके खुद से ट्राई कर रहे हो ना, कहीं साथ साथ मूवी की तरह देख रहे हो सारे सॉल्यूशंस, पॉज करके एक बार खुद से ट्राई करो। ऑल द वैल्यूज ऑफ m फॉर व्हिच बोथ रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर ग्रेटर देन -2 बट लेस देन 4 लाई इन द इंटरवल। ठीक है ग्राफ बनाएंगे, हमें ज्यादा कोई फॉर्मूला कोई कंडीशन याद नहीं करनी। ग्रेटर देन -2 बोला है और लेस देन 4 बोला है और बोथ रूट्स बोला है, तो एटलीस्ट एक रूट तो पक्का एग्जिस्ट कर सकता है, हो सकता है वो दोनों दोनों रूट सेम हो, लेकिन रूट एग्जिस्ट जरूर करना चाहिए तभी हम कंपेयर कर रहे हैं। तो अब क्या बोला है कि इन दोनों के बीच में, तो या तो पैराबोला ऐसा बनेगा या फिर पैराबोला ऐसा बनेगा। अब एक्स का कोफिशियंट पॉजिटिव है, इसका मतलब पक्का ऊपर वाला बनेगा। अच्छा इन टाइप के सवाल में अगर एक्स का भी कोफिशियंट वेरिएबल होता यानी कि एम होता, तो तुम्हें नहीं पता है स्ट्रिक्टली पॉजिटिव है या स्ट्रिक्टली नेगेटिव है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे मान लो ए होता, इस क्वेश्चन को हम ए से सॉल्व कर लेते हैं, फिर ए की वैल्यू 1 डाल दूंगा मैं, तो मैं क्या बोलता कि हो सकता है ऐसा बने, हो सकता है ऐसा बने। अब एक चीज तो श्योर है कि अगर ए की वैल्यू पॉजिटिव है तो पैराबोला ऊपर की तरफ बनेगा, और उस केस में -2 और 4 दोनों पे जो फंक्शन की वैल्यू है वो पॉजिटिव होनी चाहिए, तभी तो उनके बीच में कहीं 0 आएगा और फिर बीच में नेगेटिव आएगा। बिल्कुल ग्राफ से दिख रहा है ना, सिंपल अपना ग्राफ की नॉलेज लगाओ, बेसिक ज्योमेट्री लगाओ, ज्योमेट्री भी क्या विजुअलाइजेशन है, बिल्कुल जो दिमाग में आ रहा है वो बोलो। और अगर नेगेटिव होता, अगर नेगेटिव होता ग्राफ ऐसा बनता, तो पक्का -2 और 4 पे नेगेटिव आना चाहिए था फंक्शन की वैल्यू, बीच में कहीं 0 होता और फिर पॉजिटिव होता। तो इसका मतलब क्या है कि अगर ए पॉजिटिव है तो हमें पॉजिटिव करना है उस फंक्शन को, और अगर ए नेगेटिव है तो नेगेटिव करना है उस फंक्शन को। तो इसका मतलब अगर ए पॉजिटिव है तो f(4) मस्ट बी पॉजिटिव और ए भी पॉजिटिव है, और अगर ए नेगेटिव है तो f(4) मस्ट बी नेगेटिव। तो अगर मैं a × f(4) देखूं तो ये तो हमेशा पॉजिटिव होगा, क्योंकि ए अगर पॉजिटिव है ये पॉजिटिव तो ये भी पॉजिटिव, पॉजिटिव हो गया। अगर ए नेगेटिव है तो ये नेगेटिव, तो इसको भी नेगेटिव होना पड़ेगा तभी पॉजिटिव होगा, तो हो गया। तो हम क्या बोलेंगे, a × f(4) इज पॉजिटिव, बस पॉजिटिव, नेगेटिव तो होगा ही नहीं। ठीक है तो इस केस में ए की वैल्यू 1 है, तो सिंपली हम बोल देंगे f(4) इज पॉजिटिव। क्लियर, f(4) इज पॉजिटिव पहली कंडीशन, f(2) इज पॉजिटिव दूसरी कंडीशन। ध्यान रखना मैं इक्वालिटी नहीं लगा रहा हूं, क्योंकि हमें बोला है कि -2 से बड़ा है और 4 से छोटा है, बराबर नहीं हो सकता। और क्या बोला है, और डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो हो गई, क्योंकि एटलीस्ट एक रूट तो एग्जिस्ट करना ही चाहिए। और कुछ बोला है नहीं, बस ये तीन कंडीशन लगाते हैं। f(4) निकालते हैं पहले, 16 − 8m + m² − 1 शुड बी पॉजिटिव, m² - 8m
प्लस 15 इज पॉजिटिव, एम माइनस 3 और एम माइनस 5 मस्ट बी पॉजिटिव। तो यहाँ से 3 से छोटा और 5 से बड़ा आ गया, और यहाँ पे साइड में नंबर लाइन हम लोग बना लेते हैं। तो अब तक क्या आया है कि 3 5, हमें बोला है 3 से छोटा हो सकता है या 5 से बड़ा हो सकता है। अगली कंडीशन एफ ऑफ माइनस 2 इज पॉजिटिव, माइनस 2 पुट करते हैं तो माइनस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4m प्लस m स्क्वायर माइनस 1 शुड बी पॉजिटिव। तो m स्क्वायर प्लस 4m प्लस 3 शुड बी पॉजिटिव, m प्लस 3 इंटू m प्लस 1 शुड बी पॉजिटिव। तो क्या आया यहाँ पे, m इक्वल टू माइनस 3। अच्छा तो ये नंबर लाइन थोड़ी साफ सी बना लेते हैं, काम करते हैं। यहाँ पे हमें क्या बोला है कि 3 और 5 या तो ये होगा या ये होगा, और यहाँ पे हमारे पास आंसर आया है कि -3 और -1, -3 और -1 और पॉजिटिव बोला है तो -1 से बड़ा हो सकता है या -3 से छोटा हो सकता है, अब तक ये आया है। और तीसरी कंडीशन है डी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। तो डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 डालते हैं तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर है हमारा 4m स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4 इंटू एम स्क्वायर माइनस 1, ये हमें बोला है ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। तो 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ये तो ठीक है, ऑलवेज ट्रू है, इस कोई दिक्कत ही नहीं है। तो इस केस में अब क्या बोला है हमारे पास, क्या आया, -3 से 3 आ रहा है। तो एक तो कॉमन रीजन ये आ रहा है और एक कॉमन रीजन ये आ रहा है, तो हमने कोई चीज मिस कर दी क्या? ऑल वैल्यूज ऑफ एम फॉर विच बोथ रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर ग्रेटर देन -2 बट लेस देन 4, ठीक है। तो इससे हमारे पास माइनस इन्फिनिटी से -3 और -3 से -1 से 3 आया, लेकिन ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं, तो इसका मतलब हम कुछ मिस कर रहे हैं इसमें। तो देखो एक तो इसमें क्या दिक्कत है कि हम क्या बोल रहे हैं कि -2 पॉजिटिव होना चाहिए और 4 पॉजिटिव होना चाहिए और दो रूट्स एग्जिस्ट करने चाहिए। तो इस कंडीशन से ना ये भी हो सकता है कि हो सकता है दोनों रूट्स -2 से छोटे आ जाए ऐसे। अब इस पैराबोला में देखो दोनों पॉजिटिव है, फंक्शन की वैल्यू दोनों में पॉजिटिव है, दोनों रूट से भी एक्सेस करते हैं, या फिर -4 से बढ़ाया जाए दोनों रूट्स। तो हमें एक और कंडीशन इसमें डालनी पड़ेगी कि हमारे जो पैराबोला का मिनिमा है ये भी -2 और 4 के बीच में लाया करना चाहिए। तो ठीक है, इसमें कोई बड़ी बात तो है नहीं। तो हम क्या बोलेंगे, एक और चीज कि -b/2 है, क्योंकि मिनिमा का एक्स पॉइंट क्या होता है, -b/2 है, ये भी 4 और -2 के बीच में लाया करना चाहिए। तो -b कितना है हमारे पास, +2 +2m by 2a, तो 2a तो सिंपली 2 है क्योंकि a की वैल्यू 1 है, b/2a, ठीक है। ये 4 और ये -2 के बीच में लाई करना चाहिए, तो 2 से 2 कटा। तो m की एक और रिस्ट्रिक्शन हमारे पास क्या आ गई कि -2 से 4 के बीच में लाया करना चाहिए। तो एक और रिस्ट्रिक्शन आ गई हमारे पास, -2 से 4 के बीच में लाया करना चाहिए ये। तो बस ये वाला कॉमन एरिया भी हट गया, अरे नंबर लाइन क्यों हट गई, ये वाला कॉमन एरिया भी हट गया, तो आंसर हमारा क्या हो गया, -1 से 3। ये भी इजी क्वेश्चन था, थोड़ा सा लेंदी था अगर इस अप्रोच से जाओगे तो। एक और अप्रोच मुझे इस क्वेश्चन में दिख रही है कि तुम ध्यान से देखो इस इक्वेशन को, x²-2mx+m² x-m का होल स्क्वायर लिखा है, उसके बाद भी -1 है। तो अगर थोड़ा सा इसमें तुम अब लॉजिक लगाओ और थोड़ा सा इसमें मैनिपुलेशन लगाओ, हार्ड वर्क की जगह थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करो, तो x-m का मुझे होल स्क्वायर होता हुआ दिख रहा है और -1 है, तो इस पूरे का स्क्वायर -1 का स्क्वायर ही तो लिखा ही है, तो मैं इसको एक बार और फैक्टराइज कर सकता हूँ, x-m-1 x-m+1 इज इक्वल टू 0 में। तो मुझे तो दोनों रूट्स ही मिल गए, m+1 और m-1। तो मैं क्या करूंगा, m+1 और m-1 दोनों को मुझे क्या चाहिए, -2 से 4 के बीच में होना चाहिए, -2 से 4 के बीच में। तो m की वैल्यू एक बार मेरे पास आई -3, -3 से 3, और m-1 की वैल्यू अगर मैं 4 से -2 करूं तो -1 से 5। तो दोनों का इंटरसेक्शन लूं तो क्या होगा, -1 से 3। खत्म क्वेश्चन, दो लाइन का क्वेश्चन था, अगर तुम थोड़ा सा ऑब्जर्व करो इक्वेशन को, बाकी फिर अगर कुछ सूझ नहीं रहा तो सिंपली हार्डवर्क करना थोड़ा शुरू करो, और क्वेश्चन वैसे ओवरऑल ईजी था, ठीक है। अगला क्वेश्चन में हमें क्या बोला है, इफ एक्स इज रियल द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज, ठीक है। तो एक तो इन टाइप के क्वेश्चन का तुम्हें एक स्टैंडर्ड तरीका पता होगा कि हम बोलते हैं कि वाई की वैल्यू कुछ, यहाँ पे फंक्शन बहुत गंदा सा एक्स का दिया हुआ है, तो हम डिनोमिनेटर को ऊपर ले जाते हैं और फिर एक बड़ी सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेते हैं
जिसमें वाई को हम कांस्टेंट मानते हैं, मतलब बेसिकली यहाँ पे समथिंग एक्स स्क्वायर प्लस समथिंग वाई एक्स प्लस समथिंग इज इक्वल टू जीरो, ऐसे बन जाएगा। और ये सब फंक्शंस ऑफ वाई होंगे, मतलब इनमें कहीं पे वाई का कुछ फंक्शन होगा, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद, इधर उधर करने के बाद। फिर हम क्या बोलते हैं कि क्योंकि एक्स रियल है तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रियल वैल्यूज होने चाहिए, तो ऐसी कौन सी वाई की वैल्यू हम डालें ताकि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रियल रूट्स आए। तो इस केस में हम फिर उसका डी ग्रेटर इक्वल टू जीरो कर देंगे। इजी है, ये एक स्टैंडर्ड तरीका है। लेकिन इस क्वेश्चन में तुम ध्यान से नोटिस करो, एक चीज दिख रही है साफ साफ कि ऊपर और नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन सेम ही है, बस ऊपर 10 का ही तो डिफरेंस है। तो मैं क्या लिख देता हूँ, वाई इज इक्वल टू इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को 2 मिनट के लिए एफ एक्स बोलता हूँ प्लस 10 अपॉन एफ एक्स। यही तो निकालना है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। तो क्या लिखा है, 1 अपॉन 10 प्लस एफ एक्स, 10 अपॉन एफ एक्स। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, तो इसका मतलब एफ एक्स की मिनिमम वैल्यू निकालनी है, सिंपल। और एफ एक्स क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये वाला। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मिनिमम वैल्यू सबको पता है -D/4A होती है, तो -B² -4AC 84 अपॉन 4A, तो 4 × 3, ऊपर क्या आया, 3 3 1/4। तो y की मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल टू 1 1 + 10 अपॉन f की मिनिमम वैल्यू, तो f की मिनिमम वैल्यू 1/4 है, तो 1 अपॉन 10 / 1/4, तो 41। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। ठीक है, तो आज हम लोग इतना ही डिस्कस करेंगे। होपफुली तुम्हें अच्छे लग रही होगी सीरीज, और इस तरह से आगे के भी तो सारे क्वेश्चन हम लोग कंटिन्यू करेंगे। चलो, अगला चैप्टर कौन सा चाहिए और कैसा पेस ये लग रहा है, इसके बाद मैं सोच रहा हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की एडवांस क्वेश्चन कराऊंगा, तो उस पर क्या ओपिनियन है, तुम्हें क्या चाहिए कॉमेंट्स में बताना। चलो, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।